गजब कैला तू बन गैला। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों अभी आपने प्रीमियम वीडियो देख ही लिया फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले कैनवास्टर एप्लीकेशन का, और फ्रेंड्स कैनवास्टर एप्लीकेशन के बाद हमें यूज़ करना है जो भी मटेरियल इस वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा 9:16 वाला डेसूस लेकर के यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहाँ इमेज एक्सेस पे जाकर एक तो ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट करना है, इसकी ड्यूरेशन को आपको बढ़ाकर जितना बड़ा आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिए। फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाएगी, लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम में जाने के बाद इस एडिटिंग के लिए आप जो भी पिक्चर का यूज करना चाहते हो उस पिक्चर को सिंपली सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, पिक्चर आपका पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा देख सकते हैं। तो जो भी फोटो पर एडिटिंग करना चाहते हो उसे लेकर एडजस्ट कर लीजिएगा, देन पिक्चर को सेलेक्ट कीजिएगा, ड्यूरेशन को आपको बढ़ाकर उतना ही टाइम कर लेना जितना टाइम का आप स्टेटस बना रहे हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में चले जाएगा। ऑप्शंस मैंने आप कुछ पार्टिकल वीडियो आपको प्रोवाइड किया, तो उसमें से सबसे पहले आपको ब्लैक स्क्रीन में डॉट वाला पार्टिकल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिए, देन यहां से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे स्क्रीन कर लीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे दो बार ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो एक वीडियो को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो एक ही बार में लेना है, जो कि पार्टिकल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और इसमें साउंड अगर लगा हो तो साउंड को म्यूट कर लीजिए, वैसे इसमें साउंड नहीं लगा हुआ है। देन फिर स्टार्टिंग में आ जाएगी, लेयर का ऑप्शन में क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। नेक्स्ट वाला जो ब्लैक स्क्रीन डॉट पार्टिकल मैंने आपको दिया उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसे भी फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद नीचे तो स्क्रॉल करना है, यहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद सिंपली स्क्रीन कर लेना है, करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से बैक आ जाइएगा, यहाँ पे मिक्सर वाले ऑप्शन पे टैप कर लीजिएगा, ये देख सकते हैं मिक्सर वाले ऑप्शन पे, और इसका साउंड जो म्यूट कर दीजिएगा। इससे होगा कि अगर इसमें साउंड होगा तो म्यूट हो जाएगा, तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसका लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। देन यहाँ पे मैंने आपको वीडियो आपको प्रोवाइड किया उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एस्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, देन यहाँ से बैक आ जाएगा, बैक आने के बाद एस्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, इसे यहाँ पे पॉइंट में दो पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। वन पे था तो वन के बाद टू आगे कर देना, मतलब दो पॉइंट आगे कर देना है। देन यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद मिक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका साउंड यहाँ से म्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से टच कर दीजिएगा, म्यूट हो जाएगा, या फिर इसका साउंड इस तरह से डाउन कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये वाली वीडियो को सिलेक्ट तो यह है, तो इस तरह से सिलेक्ट करके आगे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए तो क्रोमा की का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करके इसे इनेबल कर लीजिए। करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके की कलर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ग्रीन वाला आपको सेलेक्ट कर लेना, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला अगर ना मिले तो ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद यहाँ पे ग्रीन को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिला लीजिएगा ग्रीन पे, देन यहाँ पे कर दीजिएगा राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद इसे आपको एडजस्ट करना होगा, तो एकदम ग्रीन वाला जो भी पार्ट हो पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे रख लीजिएगा, और जो पार्ट हो रहा है बट ग्रीन वाला गायब हो जाए इस तरह से रख लीजिएगा। रखने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, बैक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ तक ये थोड़ा बड़ा है, तो जितना बड़ा आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। मैंने छोटा सा रखा, जो कि प्ले करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का लगता है। और फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है, तो अभी इसमें थोड़े से काम हमें और भी करने हैं। वैसे हमारा स्टेटस बन चुका है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली यहाँ पर सबके स्टार्टिंग में आना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करना जो भी ऑडियो पर स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को ले लेना है। तो यहाँ पर फोल्डर में चलते हैं, फोल्डर में यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड में मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग हैं, तो इसमें से मैं तब तक के लिए कोई सा भी एक सॉन्ग ले लेता हूँ जो हिंदी सॉन्ग ही यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग ले लिया, जो कि आप देख सकते हैं सॉन्ग यहाँ पे लग चुका है। देन यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में लेयर पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में चले जाना है। फिर सर आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, एक तो बॉर्डर का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया, उस बॉर्डर को ले लेना है, देन इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर आपको लास्ट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो मैंने कर लिया। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे इस तरह से रोटेट कर लेना है, करने के बाद इसे फुल स्क्रीन में इस तरह से कर लेना है, एक साइड में कॉर्नर पर रखिएगा इस तरह से, और पूरे कॉर्नर पर खींच लीजिएगा, तो ये हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना पे रख लिए और फिंगर की ही मदद से इस तरह से खींच के पूरे स्क्रीन पर कर देंगे इस तरह से, मतलब इस तरह से
फिट स्क्रीन भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते मैंने कर दिया, तो दोनों साइड में तो आ गया, नीचे की तरफ आया नहीं। ठीक है, तो अब इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, पूरे स्क्रीन पे बॉर्डर आ जाए। इसके बाद ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी क्वालिटी में रखना चाहते रखिएगा, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।